हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। दोस्तों, क्या आप भी कुछ इस प्रकार से बर्थडे के लिए रील्स वीडियो एडिट करना चाहते हो जो कि इस समय यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है? तो दोस्तों, आज का जो है वीडियो है अपन तक जरूर देखिएगा। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सिंपली आपको VN एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। जैसे ही आप ओपन करोगे, आपको नीचे प्लस वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट। प्लस वाले आइकन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर न्यू प्रोजेक्ट को कर लेना है सिलेक्ट। और आपको यहां पर वीडियो वाले सेक्शन पर चले जाना है। वीडियो वाले सेक्शन पर जाने के बाद आपको यहां पर एक वीडियो क्लिप ऐड करनी होगी, जिस वीडियो क्लिप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको उसी वीडियो क्लिप को कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपको यहां पर फोटो वाले सेक्शन पर चले जाना है और आप जिस भी फोटो से बर्थडे वाला रील्स वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आपको उन्हीं फोटो को कर लेना है सिलेक्ट। तो आप यहां से 6 फोटो को कर लीजिए सिलेक्ट। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। और आपको यहां पर वीडियो के लास्ट में चले जाना है और आपको इस ब्लैक इमेज को कर देना है डिलीट। ब्लैक इमेज को डिलीट करने के बाद आपको ऊपर ओरिजिनल को कर लेना है सिलेक्ट। और आपको यहां पर शॉर्ट वीडियो के साइज को कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपको यहां पर अपनी वीडियो के शुरू में आ जाना है और आपको यहां पर म्यूजिक वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट। म्यूजिक को कर लेना है सिलेक्ट। म्यूजिक को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर माय म्यूजिक पर जाना है, म्यूजिक लाइब्रेरी पर जाना है और आपको यहां पर उसी सॉन्ग को कर लेना है सिलेक्ट, जिस सॉन्ग का लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो आप उसी सॉन्ग को कर लीजिए सिलेक्ट। जैसे ही आप सॉन्ग को सिलेक्ट करोगे, आपको यहां पर बीट वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट और आपको यहां पर बीट ऐड कर लेना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें आपको सभी बीट का टाइम दिख रहा होगा। तो आपको इसी टाइम के अनुसार सभी बीट को कर लेना है ऐड। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। जैसे ही आप सभी बीट को ऐड कर लोगे, आपको यहां पर कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपको सिंपली इन सभी बीट के अनुसार सभी फोटो को कर लेना है एडजस्ट। तो मैं यहां पर कर लेता हूं। सभी फोटो को बीट के अनुसार एडजस्ट करने के बाद आपको यहां पर कुछ इस प्रकार से जूम कर लेना है और आपको यहां पर आ जाना है अपनी फर्स्ट वाली फोटो पर। फर्स्ट वाली फोटो पर आने के बाद आपको यहां पर प्लस वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट और आपको यहां पर लाइट वाले एनिमेशन को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, आपको इसका साइज 0.4 सेकंड करके नीचे अप्लाई टू एल वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही आप अप्लाई टू एल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, आपको यहां पर अपनी फर्स्ट वाली फोटो पर रहना है और आपको यहां पर एफएक्स वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। एफएक्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टोल डाउन करना है और आपको यहां पर एक्सपेंड वाले इफेक्ट को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे, आपको सिंपली इसका जो साइज है आपको यहां पर फुल कर देना है और आपको यहां पर सेकंड वाली फोटो को ला लेना है। सेकंड वाली फोटो को लाने के बाद आपको यहां पर फिर से स्टोल डाउन करना है और आपको यहां पर जीटर अप वाले इफेक्ट को कर लेना है सिलेक्ट। और आपको इसका जो साइज है इसको भी कर देना है फुल और आपको यहाँ पर एक एक करके सभी फोटो में इन दोनों इफेक्ट को कर लेना है ऐड। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ।
सभी फोटो में इफेक्ट को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है अपनी फर्स्ट वाली बीट पर। फर्स्ट वाली बीट पर आने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड में प्लस वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर एक ब्लैक शैडो पीएनजी ऐड करनी होगी, जिस ब्लैक शैडो पीएनजी का लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको उसी ब्लैक शैडो पीएनजी को कर लेना है सिलेक्ट। ब्लैक शैडो पीएनजी को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर फिट वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। और आपको यहां पर इस पीएनजी को नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से कर लेना है फिक्स। फिक्स करने के बाद आपको सिंपली इस पीएनजी का साइज भी आपने रील्स वीडियो के अंत तक कर देना है। और आपको यहां पर फिर से आ जाना है अपनी फर्स्ट वाली बीट पर। फर्स्ट वाली बीट पर आने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड में प्लस वाले आइकन को फिर से कर लेना है सिलेक्ट। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। और आपको यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन पर चले जाना है। वीडियो वाले सेक्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट वीडियो ऐड करनी होगी, जिस टेम्पलेट वीडियो का लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको उसी टेम्पलेट वीडियो को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही आप टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पर फिल वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। और आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग पर जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन को सिलेक्ट करके कर देना है ओके। ओके करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, हम जो बर्थडे के लिए रील्स वीडियो एडिट कर रहे थे वह यहाँ पर अच्छी तरह से एडिट हो चुका है। तो आपको इस रील्स वीडियो को सेव करने के लिए आपको कोने में एक्सपोर्ट वाली आइकन को कर लेना है सिलेक्ट। और आपको यहाँ पर फिर से एक्सपोर्ट वाली आइकन को कर लेना है सिलेक्ट। एक्सपोर्ट वाले आइकन को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, हम जो रील्स वीडियो एडिट कर रहे थे बर्थडे के लिए वह यहां पर सेव हो रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो एडिटिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।